हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आप सभी को भाई दूज की बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज है भाई दूज, तो मैं बनाने जा रही हूँ मिठाई, वो भी बिना गैस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने काजू लिया है एक कटोरी। काजू आप कोई भी ले सकते हैं, साबुत या टुकड़ा। और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर थोड़े से पिस्ते ऐड करे हैं। आप अगर करना चाहें तो कर दीजिए, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त आप रुक रुक के इसको चलाइएगा, अदरवाइज़ क्या होता है कि काजू घी छोड़ देता है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। अगर पाउडर थोड़ा दरदरा भी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें इसकी मिठाई ही बनानी है। देखिए, पाउडर मैंने पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। और ये मैंने लिया है हर्शली का सिरप, चॉकलेट सिरप। ये इसके अंदर हम एक पैकेट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप अवेलेबल ना हो तो आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर कोको पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके थोड़ा बॉल टाइप में डो लेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ लग रहा है, और शाइनी देखिए कितना है। बस इसी तरीके से इसे रोल कर लेंगे और इसको लड्डू का शेप दे देंगे। और एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ही बहुत अच्छी लगेगी ये मिठाई। और सबसे बड़ी बात, इसको आपको गैस पे भी नहीं बनाना कुछ। ये देखिए सारे लड्डू हमारे तैयार हैं। अब हम इसे, मेरे पास काजू के टुकड़े मैंने करके रखे हुए हैं, उसको क्रश करके रखा हुआ है, उसमें हम इसे कोट कर देंगे। अच्छे से चारों तरफ से इसे हम कोट कर देंगे काजू के पीसेस में। और रेडी है हमारी काजू और चॉकलेट की मिठाई। तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर है। तो मेरे तो भाई दोज की थाली तैयार है। आप भी इसे एक बार बना के देखिए और एंजॉय करिए। हैप्पी भाई दोज। ये देखिए कितना सुंदर मिठाई लग रही है ये।